इंसुलिन नहीं ले रहे इसलिए डेथ हो गई। कोरोनिल रामबाण है तो भाई लोग क्या हाल चाल? बहुत जबरदस्त है। हाँ बाबा जी, आपकी तो जबरदस्त हो भी क्यों ना, क्योंकि आप पूरे देश के जनता को मूर्ख बनाकर पैसे जो कमा रहे हैं। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। 2000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूँ ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। चलो अच्छा बाबा जी, अब मैंने मान लिया, लेकिन गुस्सा मत होइए। और बाबा जी के चाहने वाले से भी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखकर मजे लें, दिल पर ना लें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भी बस यही बोलने वाले हैं, तुम इंसान नहीं है, तुम तो साइंटिस्ट है भाई। अरे भाई, ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीराइड, ये रेमडेसिविर, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है, और फिर भी ठोके जा रहे। तो बाबा जी के हिसाब से लोग कोविड से नहीं बल्कि एंटीबायोटिक और रेमडेसिविर जैसे एलोपैथिक दवाओं के चलते ही लोग मर रहे हैं। बाबा जी आप तो क्या, आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष, महापुरुष। कैसा लगा मेरा मजाक? बाबा रामदेव से रूबिका लियाकत आखिर क्या बात करेंगे लोगों को? डॉक्टर साहब क्या सीन है, इतने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। अच्छा ठीक है बाबा जी, लोग एलोपैथिक दवाएं खा के मर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट आपकी बातों को सुनने के बाद बस यही बोलेंगे, हम गधे। खैर ये बात तो सही है कि डॉक्टर और साइंटिस्ट पागल है जो एलोपैथिक दवा से बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। खैर बाबा जी, इन डॉक्टर और साइंटिस्ट को रहने दो, आप ही इलाज बता दो। महाराज मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज्ड है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं, हम चाहते हैं आप प्रभु पथ प्रदर्शित करें। और कोरोना के उपचार के लिए कोरोनिल रामबाण है तो हमने सोचा कि जन जन तक पहुंचे। ये 3-3 की किट यहां पर पैक करके रखी हूं ऑलरेडी। बाबा जी आपकी बातों को सुनने के बाद तो कोरोना वायरस का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, जय हो। एक 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। अरे रोको नहीं, रोको नहीं, वत्स उत्साह में है, उसे आने दो, आओ पुत्र आओ। बम बम बोले, बम बम बोले। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। हाँ सही बात है, बाबा जी ने जोक तो मारा है, लेकिन हमारे देश के डॉक्टरों पर जो दिन रात लोगों का सेवा करते करते अपनी जान तक कुर्बान कर गए, भले ही इस बात के लिए बाबा ने माफी मांग लिया, लेकिन असल में ये बाबा नहीं है। तो ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। सही पकड़े हैं। वो कहते हॉस्पिटल नहीं मिल रहे इसलिए डेथ हो रही, मैं कह रहा हूँ लोग योग नहीं कर रहे, कोरोनिल नहीं ले रहे इसलिए डेथ हो रही है। तपस्वी जी हम विरोध कर सकता हूँ, कौनो फिरकी ले रहा है? पूरे हिंदुस्तान में हमने करोड़ों लोगों की जान बचाई, मैं कोई किसी इमोशन को कैश नहीं कर रहा हूँ। रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। अंकल जब तक लिखत मना मिले जाना नहीं आंटी का छोड़ के। हाँ यही नहीं, अभी और सुनिए, वालिया चिकित्सा पद्धति है, इनके पास कोरोना का कोई इलाज नहीं, इनके पास में लीवर का कोई इलाज नहीं, आंते कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, किडनी कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, फेफड़ा कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, हार्ट कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं,
दिमाग कमजोर पड़ जाए कोई इलाज नहीं, हड्डियां कमजोर पड़ जाए ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए कोई इलाज नहीं, चमड़ी कमजोर पड़ जाए तो इलाज नहीं, तुम्हारे पास इलाज किस बात का। ये वही लाला रामदेव है जिसने 2021 में एलोपैथिक सेक्टर को बकवास बोला था। इसके पास किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन 2019 में अपने सहयोगी का इलाज एम्स में ही कराया था। आचार्य जी को चक्कर आने लगे, थोड़ा बीपी डाउन हुआ और उसके बाद में अनकॉन्शियस हो गए थे, और फिर हमने इमिडिएटली जो है उनको मूव किया और पहले भूमानंद हॉस्पिटल में, तो कुछ उल्टी और बाकी कुछ यूरिन पास होने से जो है कुछ थोड़ा ठीक हुआ। फिर हमने बात की यहाँ एम्स जो पूरे पूरे उत्तराखंड का और देश का एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, हमारे रविकांत जी उसके डायरेक्टर मेरे साथ हैं। यहाँ मैंने सारी फैसिलिटीज को भी पहली बार यहाँ देखा, सारे डॉक्टर्स को देखा, और आते ही इन्होंने सारे टेस्टिंग किए, डॉक्टर साहब बताएंगे उसके बारे में, और अब करीब करीब 80-90% पूज्य आचार्य जी की तबीयत अच्छी है। तो बाबा जी, अगर एलोपैथिक सेक्टर में कोई भी बीमारी का इलाज नहीं है तो अपने सहयोगी का इलाज एम्स जैसे हॉस्पिटल में क्यों कराया, आयुर्वेदिक से ही कर देते। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। और ये वही बाबा है जो पिछले साल कोरोना से बचने का उपाय बता रहे थे। गले को और पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने के लिए उचाई बहुत अच्छा होता है, साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा और पेट के जो केमिकल्स हैं कोरोना को मार देते हैं। जैसे साबुन या हैंड वॉश का या सैनिटाइजर का जो केमिकल्स का घोल होता है वो उसको मारते हैं, तो अपने पेट में नेचुरल केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देंगे। आपको बता दें कि सरसों तेल से कोरोना वायरस खत्म होने के बात को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने नकार दिया था, इसलिए इन बाबाओं के उलूल झुलूल बातों में बिल्कुल ना आए। और आपको बस हम इतना ही सलाह देंगे, तुम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हो, किसी ढोंग में मत फंसना, किसी पाखंड में मत फंसना, किसी बाबा के बहकावे में भी मत आना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा। आप बाबा जी के इस बातों को मान लीजिए और ऐसे पाखंडी बाबाओं से सतर्क रहें। कहम एक दो तीन चालू पाती हो मसी, कहम चार पांच छह तो दवाई लगी जो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाबा की इन बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।